बॉलीवुड की फिल्म पठान ने साल 2023 के शुरू होते ही धमाल मचा दिया है। बॉलीवुड काफी लंबे समय से एक बड़े हिट का इंतजार कर रहा था। शाहरुख खान की फिल्म पठान ने ये काम पूरा कर दिया है। शाहरुख खान की फिल्म ने पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई करनी शुरू कर दी थी। शाहरुख खान की इस फिल्म को रिलीज हुए अब 6 दिन पूरे हो गए हैं, जिसके बाद अब फिल्म की कमाई के नए आंकड़े सामने आ गए हैं, जिसके हिसाब से फिल्म की कमाई में गिरावट देखी जा रही है। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की लीड रोल वाली फिल्म ने 5वें दिन में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रखा था, लेकिन फिल्म के 6वें दिन की कमाई में गिरावट देखी गई है। लेकिन फिल्म अभी भी अच्छी कमाई कर रही है। 6वें दिन की कमाई को लेकर मीडिया रिपोर्ट सामने आनी शुरू हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म पठान की कमाई में गिरावट आ सकती है। शाहरुख खान की ये फिल्म 6वें दिन 23 से 25 करोड़ रुपए कमा सकती है। इसी के साथ फिल्म 6वें दिन 300 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर देगी। लेकिन आपको बताते चले कि फिल्म की कमाई के अभी आधिकारिक आंकड़े सामने आने बाकी है, जिसके बाद कुछ साफ हो पाएगा। फिल्म ने 5वें दिन 58.50 करोड़ रुपए कमाए थे। जॉन अब्राहम और शाहरुख खान की फिल्म पठान ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया है, जिसके बाद अब फैंस को घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ के आंकड़े को पार करने का इंतजार है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि फिल्म पठान इस हफ्ते इंडिया के बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकती है। तो दोस्तों, क्या आपने पठान मूवी देख ली? आप हमें कमेंट बॉक्स में यस और नो लिखकर जरूर बताएं।